चलो चलो जल्दी जल्दी करते हैं। सो सबसे पहले विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। कैसा लगा ये क्रेजी हैप्पी बर्थडे? थैंक यू सो मच फॉर ऑल द विशेस जो भी मुझे पूरे देश दुनिया भर से मिली हैं। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू टू यू गाइज, यू पीपल वर वेटिंग फ्रॉम मॉर्निंग ऑल्सो। सो थैंक यू फॉर बींग विद मी एंड सेलिब्रेटिंग माई बर्थडे एंड दिस। आई थिंक ये मेरी ज़िंदगी का सबसे क्रेजीएस्ट बर्थडे है जो मैं यहाँ पे सेलिब्रेट कर रही हूँ। जनरली बहुत ही सोबर तरीके से बन जाता था, थोड़ा बहुत लगता था चेहरे पे, यहाँ तो पूरा ही पूरा केक मेरे भाइयों ने या दोस्तों ने मिलके लगा दिया चेहरे पे। तो हाँ, बट मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा लगा ये काम करते हुए। सेट पर मेरा पहला बर्थडे और आई थिंक मैं कभी नहीं भूल पाऊँगी क्योंकि पहला बर्थडे ही इतना ख़ास बना दिया इन सब ने। सो तो एक्चुअली आई वॉन्ट टू थैंक माई प्रोडक्शन पीपल, माई होल टीम, माई फैमिली जो यहाँ पर आए, उन्होंने मेरा बर्थडे इतना अच्छा बनाया। थैंक यू प्रियंका, थैंक यू राजदीप सर, थैंक यू टू माई होल गठबंधन टीम फॉर बींग अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। सो थैंक यू, थैंक्स। या दैट्स वाई मेरा बर्थडे ऐसे बनाया क्योंकि हम सब पागल हैं यहाँ पे। या सो हाँ, खास मेमोरी बर्थडे से रिलेटेड, आई थिंक मेरे बर्थडे पे तो मैं बहुत डिसेंट रही हूँ, बट मेरे भाई के बर्थडे की एक मेमोरी है वो बहुत छो तूने केक लगाया था मेरे चेहरे पे तो शगुन जब छोड़े तो मेरा भाई, मैंने हमेशा बहुत तमीज़ से अपना बर्थडे मनाया और ऐसी कोई पागल वाली मेमोरी नहीं है, पर मेरे भाई ने बहुत, उसको शौक था बर्थडेज मनाने का, अक्सर उसके बर्थडेज में कुछ ना कुछ हो जाता था तो बन नहीं पाते थे। तो एक बार उसको शौक चढ़ा, उसने बिना मम्मी पापा को बताए पूरी कॉलोनी और सबको इन्वाइट कर लिया था कि मेरे घर पे पार्टी और घर पे कुछ नहीं था, गिफ्ट लेकर आएगा। एंड ही वाज लाइक प्लीज आप आइए, मेरा बर्थडे है और गिफ्ट लेकर आना। बोला कि शाम को सब लोग आइएगा, गिफ्ट लेकर आइएगा। और मम्मी पापा को पता ही नहीं है कि घर पे ऐसा कुछ होने वाला है, जब गेस्ट आने लगे तब पता चला। तो आई थिंक मेरे भाई ने ही सारे आप पागलपन किया, मैं बहुत तमीज़ से रहती आई हूँ। हाँ, ये मेरी लाइफ का पहला ऐसा क्रेजी बर्थडे है जो मैं कभी नहीं भूल पाऊँगी। बहुत बहुत अच्छा, बहुत ब्लेस्ड फील कर रही हूँ, पूरी टीम, पूरी फैमिली सब मेरे साथ है। सो या थैंक यू, थैंक यू गाइज, आपने मेरा बर्थडे बहुत स्पेशल बनाया है। मैंने आपके सबके एडिट्स देखे, वीएम्स देखे और आप लोगों ने पूरा ट्रेंडिंग हैप्पी बर्थडे करके ट्रेंड करके रखा हुआ था श्रुति शर्मा का बर्थडे। सो थैंक यू सो मच एंड आई लव यू ऑल, यू पीपल आर माई स्ट्रेंथ, बी देयर विद मी एंड आई रियली लव यू विद ऑल माई हार्ट। थैंक यू एंड थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच, विश यू अ वेरी हैप्पी।
जानना चाहेंगे कि पहले शादी को मान लिया, सारी रस्में निभा रहे हैं, उसके पास डाइवोर्स पेपर्स क्यों, क्या चल रहा है ये सब? रघु कैसा भी है, कैसा भी गुंडा मवाली जो भी है, बट वो पूजा में बहुत मानता है और IMRY में बहुत मानता है, तो उनकी पूजा जो है वो डाल नहीं सकता। तो सारा गेम यही है कि रघु जो है पूजा पूरी करेगा, उसके बाद डिवोर्स पेपर धनक को देगा, जबकि धनक ये समझ रही है कि रघु जो है वो उसके खातिर ही कर रहा है, शायद उसके दिल में अभी भी थोड़ा बहुत प्यार बाकी है, बट ऐसा फिलहाल है नहीं। तो ये रघु की एक चाल कह सकते हैं, जैसे इस पूजा की आर्ट में वो पेपर्स देने वाला है। धनक आपसे जानना चाहेंगे, थोड़ी बल्कि खुशियाँ दे दी आपको, कितनी ज़्यादा एक्साइटेड होगी रघु ने, माई ने सबने माफ़ कर दिया है? जी सीधे रास्ते पर चलने वाली लड़की बेचारी, उसने सोचा पूजा वूजा करूँगी, पति मान जाएगा, पर ऐसा कुछ हो नहीं रहा है फिलहाल। एक झटका इन्होंने मुझे दे दिया है पूजा ख़त्म होते ही कि लो तलाक लो, तुम गठबंधन उल्टे फेरों से नहीं तोड़ रही थी, अब लीगली तोड़ लो। बट ऑब्वियसली कैसे छोड़ दोगे जब तक साइन नहीं करूँगी मैं, छूटोगे नहीं इतनी आसानी से। ऑब्वियसली धनक क्यों साइन करेगी, I'm not sure, बट जितना मुझे पता है धनक होने के नाते तो इतनी आसानी से साइन नहीं करती, परिवार नहीं छोड़ेगी। ये टेबल्स टर्न हो गई थी कि एक टाइम था जब धनक ने पेपर्स पकड़ा रहे थे रघु के हाथ, रघु मानने रहे थे। हाँ, वो भी माई लेकर आई थी, वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर और उसमें भी माई ने रघु से पहले साइन करवाया था अगर आपको याद हो तो, इसमें भी रघु का ही साइन पहले है, पर उसमें धनक ने कर दिया था गुस्से में क्योंकि उसकी तरफ से प्यार नहीं था, लेकिन इस बार वो नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी। हाँ जी बिल्कुल, आँख खुली और गायब और सारे सपने टूट गए। मैं सवाल भी करी थी मनी मन माँ से कि यार इतनी पूजा करी, यार इतने वो मक्खन मारा, फिर भी पति नहीं मान रहा है, तो लेट्स सी आगे बहुत ड्रामा आने वाला है, लेट्स सी क्या होता है। पहले तो विश कर दो एक गाने के अंदाज में, गाने के अंदाज में। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल है मेरी ये आरज़ू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू श्रुति, हैप्पी बर्थडे टू। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज अब्रॉड कहीं मतलब जाने वाले हैं, मतलब कुछ बर्थडे प्लान है कुछ ऐसा कुछ मतलब? फिलहाल तो ऐसा है कुछ है नहीं, अभी हम शायद देर तक शूट ही करेंगे क्योंकि हमारा नेक्स्ट डे शायद ऑफ रहेगा, तो देखते हैं कि अगर प्लान्स बने हमारे तो डेफिनेटली सारी जो हमारी टीम है साथ में मिलकर कहीं कुछ अच्छा कर सकते हैं। अगर मैं फ्री हो गई, बर्थडे मेरा है, अगर मुझे इन्होंने फ्री कर दिया तो मैं, और भी बहुत सारे दोस्त हैं मेरे, INS के भी दोस्त हैं, वो सब भी मुझसे कह रहे हैं कब मिलोगी, बहुत टाइम हो गया मुझे उनसे मिले हुए। मम्मी पापा भी, पापा और भाई लखनऊ से स्पेसिफिकली बर्थडे के लिए आए हैं, वो भी कह रहे हैं हाँ क्या प्लान है, मैं कह रही हूँ शूट कर रही हूँ, आप टाइम ही नहीं है हमारे पास। हाँ, मेरे पास तो बिल्कुल नहीं है। वैसे श्रुति, वैसे ही था कि मतलब बर्थडे वाले दिन भी काम करना है या फिर मतलब क्या करें? छुट्टी मिली नहीं, मतलब छुट्टी थी नहीं, शूट लगा हुआ था और मैंने मांगी भी नहीं, आई वॉज लाइक बर्थडे के लिए क्यों छुट्टी लूँ, जिस भी दिन छुट्टी होगी बर्थडे उसी दिन हो जाएगा, तो मैंने छुट्टी मांगी नहीं। एंड आई थिंक कि बर्थडेज आर स्पेशल, तो उस पर ज़्यादा काम करोगे तो और स्पेशल हो जाएगा। जानना चाहेंगे कि पूरी महाराष्ट्र जो लुक में है आप, महाराष्ट्र डांस वगैरह सब किया है, क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, आज मैंने गोंदर वाला नृत्य किया है और नवारी पहनी है मैंने, और स्पेसिफिकली मेरे क्रिएटिव्स ने मुझे पिंगा वाला लुक देने की कोशिश करी है आज, एंड सबने काफ़ी कॉम्प्लीमेंट किया कि हाँ अच्छी लग रही है, तो मैंने कहा चलो ठीक ठाक लग रही होंगी। बट हाँ, बहुत मज़ा आया मुझे वो गोंदर का नृत्य करते हुए, इट्स वेरी यूनिक, और वो आग लेकर डांस वांस करना बहुत मज़ा आया। थैंक यू।